नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। शिमोगा हिंसा में 14 मामले किए गए दर्ज, कर्नाटक पुलिस के ADGP लॉ एंड ऑर्डर प्रताप रेड्डी ने कही है बात। मध्य प्रदेश के कुंडलपुर सहित 2 शहर पवित्र क्षेत्र घोषित, मांस शराब की बिक्री पर लगेगी रोक। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मेट बंग प्रधान पति ने दलित को जूतों से पीटा, गले में पट्टा बांधकर गांव में घुमाया। हरियाणा सरकार ने बाबा राम रहीम को दी Z+ सुरक्षा, कहा राम रहीम कट्टर अपराधी नहीं। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक पुलिस के ADGP लॉ एंड ऑर्डर प्रताप रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि सोमवार को बजरंग दल के सदस्य के अंतिम संस्कार के दौरान शिवमोगा में हुई हिंसा के संबंध में 14 मामले दर्ज किए गए हैं। यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को उन मालिकों का ब्यौरा हासिल करने में मुश्किल हुई जिन्होंने हिंसा में अपने वाहन खो दिए। इस प्रकार विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। मंगलवार की सुबह शहर में 2 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। कर्नाटक विधानसभा ने मंगलवार को एक विधेयक पारित किया जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और अन्य लोगों के मासिक वेतन में जीवन यापन की लागत में काफी वृद्धि का हवाला दिया गया। कर्नाटक मंत्री वेतन और भत्ते विधेयक और कर्नाटक विधान मंत्रिमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित किए गए। विधेयक में सभी कानूनों के लिए मासिक वेतन में 60% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। सांसदों को 25,000 रुपए से 40,000 रुपए तक। आज मंगलवार की सुबह नौगाम बड़गाम रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर बड़गाम सेक्शन के बीच 65 किलोमीटर के पास एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पहचान का पता लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में यह ऐसी घटना है कि मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले के बड़गाम रेलवे खंड पर सोमवार की सुबह चलती ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। केपी न्यूज के लिए राजा शफी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर सहित 2 शहरों को पवित्र क्षेत्र घोषित करते हुए कहा कि वहां मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। चौहान ने सोमवार को प्रदेश की राजधानी भोपाल से 285 किलोमीटर दूर दमोह जिले में सिर्फ कुंडलपुर में जैन समुदाय के पंच कल्याण महोत्सव में भाग लेते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से मैं कुंडलपुर और बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित कर रहा हूं, जहां मांस और शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बांदकपुर शहर भगवान शिव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चौहान ने कहा कि विद्यासागर महाराज की इच्छा के अनुसार प्रदेश सरकार 1 वर्ष के अंदर चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू करेगी। उन्होंने नागरिकों से गौ रक्षा के काम में आगे आने और बेहतर पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने की भी अपील की है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक दबंग प्रधान पति ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर मानवता की सभी सीमाएं लांघ डाली। उन्होंने एक दलित व्यक्ति की जूतों से जमकर पिटाई तो की, साथ ही पीड़ित के गले में कपड़े का पट्टा बांधकर गांव में भी घुमाया। दलित की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आनंद फानन में प्रधान पति और उसके रिश्तेदार के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी केंद्र सरकार को लेकर दिए गए बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। वह ट्विटर पर आए दिन केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। इसी क्रम में वरुण गांधी ने एक बार फिर अपने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने बैंकों और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे बड़ी संख्या में नौकरियों का नुकसान होगा। 41 वर्षीय वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि केवल बैंक और रेलवे के निजीकरण से ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त यानी बेरोजगार कर देगा। समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त होती जाती है लाखों परिवार की उम्मीदें। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बिदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482127। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखें अन्य समाचार। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। उसने असल में हत्या नहीं की थी, उसे एक सह आरोपी के साथ साजिश करने का दोषी ठहराया गया था। वह कट्टर अपराधी नहीं है, उसे 5 साल जेल में बिताने के लिए छुट्टी का अधिकार है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख 21 दिन की फरलो पर रिहा करने के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान सरकार की प्रतिक्रिया से यह भी पता चला है कि डेरा प्रमुख को खालिस्तान समर्थक तत्वों से उच्च जोखिम था। इसी के चलते फरलो पर उनके रिहाई के दौरान उन्हें राज्य सरकार की ओर से Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। यूपी में इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक युवती को सरेआम सड़क पर घसीट घसीट कर पीटा जा रहा है। वीडियो सहारनपुर में सदर थाना क्षेत्र के गौरी शंकर स्कूल के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा युवक वकील बताया जा रहा है और युवती का पड़ोसी भी बताया जा रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं युवती की पहचान शबनम कुरैशी के रूप में हुई। शबनम ने 2019 में निर्दलीय के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक पुलिस की जांच के अनुसार पता चला है कि वीडियो में जो युवक लड़की के बाल पकड़कर घसीट रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, उनका युवती के साथ पुराना विवाद चल रहा है, जिसमें दोनों पक्षों का सदर थाने में मुकदमा भी दर्ज है। उसे मुकदमे को लेकर 10 फरवरी को दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ और युवती को पीटने का वीडियो भी उसी समय किसी युवक ने बनाया। अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में फंसे पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अभिनेत्री मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी व ओम शांति ओम फिल्म से लाइमलाइट में आई अभिनेत्री युविका चौधरी के खिलाफ हरियाणा पुलिस जल्द चालान पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक हिसार की हांसी पुलिस ने इन तीनों सेलिब्रिटीज के खिलाफ जाँच लगभग पूरी कर ली है और जल्द ही यह कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच अधिकारी की तरफ से SC/ST एक्ट के मामले में तीनों आरोपी सेलिब्रिटीज के खिलाफ इसी सप्ताह हिसार के अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत स्थापित विदेश अदालत में अंतिम रिपोर्ट चालान पेश किया जा सकता है। जिस दिन हांसी पुलिस इनके खिलाफ हिसार की विशेष अदालत के जज सामने चालान या फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी, तब इन सेलिब्रिटीज को भी अदालत में पेश होकर रेगुलर बेल हासिल करनी पड़ेगी। इसके बाद इन तीनों के खिलाफ हिसार की विशेष अदालत में अलग अलग ट्रायल शुरू हो जाएंगे। सऊदी अरब साम्राज्य ने आज 22 फरवरी 2022 को नया स्थापना दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है और इसे राष्ट्रीय अवकाश के रूप में समर्पित किया है। यह घोषणा सऊदी किंग जारी एक शाही फरमान द्वारा की गई है, जिस दिन इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने 1727 में अरब प्रायद्वीप में अल दरिया के क्षेत्र में सऊदी अरब को एक स्वतंत्र शहर राज्य के रूप में स्थापित किया था। पहले इस क्षेत्र को अरब प्रायद्वीप या पवित्र हिजाज कहा जाता था। 22 फरवरी 1727 को इब्न सऊद ने सऊदी अरब साम्राज्य की स्थापना की। सऊदी अरब दुनिया के सबसे पुराने राज्यों में से एक है। इस प्रकार सऊदी अरब 3 सदियों के इतिहास का जश्न मना रहा है। शशि कपूर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत प्राइवेट पर्सन थे, अपनी निजी जिंदगी के बारे में अधिक बातें करना पसंद नहीं करते थे। वो अपनी पत्नी जेनिफर कैंडल के बारे में भी अधिक बातें करना पसंद नहीं करते थे। अब एक बॉलीवुड फैन पेज @NotViral ने शशि कपूर का वीडियो इंस्टाग्राम पेज पर डाला है, जिसमें वो तब 46 वर्ष के थे। इस वीडियो में वो अपने सफेद होते बाल और पत्नी के बारे में बातें करते नजर आ रहे हैं। इस इंटरव्यू में शशि कपूर कह रहे हैं, मैं बहुत ही बुजुर्ग बहुत ही बूढ़ा आदमी हूँ। मैं 46 वर्ष का हो चुका हूँ, काफी बाल मैंने काले किए हैं, बस साइड का छोड़ दिया है। साथ ही अपनी पत्नी के बारे में बात करते हुए शशि कपूर कह रहे हैं, मैं जेनिफर से 100 सालों से शादीशुदा हूं। जब इंटरव्यू में उनसे कहा गया कि शायद पिछले जन्म का कोई कनेक्शन हो, तो शशि कपूर कहते हैं, मुझे लग रहा है अगले जन्म का भी कुछ होने वाला है, क्या करें। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शिमोगा हिंसा में 14 मामले किए गए दर्ज, कर्नाटक पुलिस के ADGP लॉ एंड ऑर्डर प्रताप रेड्डी ने कही है बात।
मध्य प्रदेश के कुंडलपुर सहित दो शहर पवित्र क्षेत्र घोषित। मांस शराब की बिक्री पर लगेगी रोक। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मेदबंग प्रधान पति ने दलित को जूतों से पीटा, गले में पट्टा बांधकर गांव में घुमाया। हरियाणा सरकार ने बाबा राम रहीम को दी जेड प्लस सुरक्षा, कहा राम रहीम कट्टर अपराधी नहीं। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।